एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग द स्किल्स नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एडुकेशन प्रोग्राम्स. ठीक है, सो यू कैन राइट इट डाउन बिकॉज दिस पार्ट इज नॉट देयर इन योर बुक. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल्स, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज skills and knowledge of the entrepreneurs through various training and classroom programs Now, what is the process of entrepreneurship development? लिखो process of entrepreneurship development. तीन stages होती हैं. हम तीनों stages करेंगे one by one. Pre-training stage, training stage. Post training stage. The process of entrepreneurship development involves three stages: pre-training stage, training stage, and post training stage. So देखो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हमें मतलब समझ में आ गया. ये वो प्रोसेस है जिससे हम एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स बढ़ाते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ाते हैं. ठीक है, वेरियस ट्रेनिंग एंड क्लासरूम प्रोग्राम्स कंडक्ट करके. तो इसका मतलब जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, इट इन्वॉल्व्स गिविंग ट्रेनिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स बेसिकली थ्री स्टेजेस. देनी तो ट्रेनिंग ही है. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंप्लाइज गिविंग ट्रेनिंग एंड अदर क्लासरूम प्रोग्राम्स. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं: प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग. प्री ट्रेनिंग, बेटे जब आपको ये सोचना है कि आपको अपने वर्कर्स को ट्रेन करना है, तो उसके लिए आपको कोई स्पेड वर्क करना पड़ेगा, है ना. अब जैसे न्यू एडुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो वी टीचर्स नीड टू बी ट्रेन्ड बाय सीबीएसई. तो सीबीएसई को हमें क्या ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए भी उसको स्पेड वर्क करना पड़ेगा. तो दैट इज प्री ट्रेनिंग स्टेज. ठीक है, सो प्री ट्रेनिंग स्टेज मतलब जो ट्रेनिंग से पहले. प्री ट्रेनिंग स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले वो लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं जिनमें एंटरप्रेन्योर्स बनने की स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, मोटिवेशन है, कैपेबिलिटी है. ठीक है, कॉन्फिडेंस है. हर एक में नहीं होता. नॉट एवरी वन कैन बिकम एंटरप्रेन्योर. दो आई टोल्ड यू एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड, है ना. ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स दे आर बॉर्न, बट स्टिल आपको किसी भी एक काम में जाना है, उसमें उसकी मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए. अगर आपका एटीट्यूड ही नहीं है किसी से काम लेने का, आपको लगता है नहीं आप किसी के अंडर काम करके ही खुश हो, तो फिर आप में वो एटीट्यूड नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने का. ठीक है, तो सबसे पहले प्री ट्रेनिंग स्टेज में आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द पर्संस विद राइट एटीट्यूड कैपेबिलिटीज. आई विल मेक यू राइट गर्व, सिर्फ सुन लो आप. ठीक है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द पर्संस हु हैव द कॉम्पिटेंसी, हु हैव यू नो एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, नॉलेज to become entrepreneurs. After that, बेटे आपने person select कर लिए,
After that, you have to create infrastructure for training, है ना? हमें एक infrastructure create करना पड़ेगा training के लिए. उनको किस तरह की training देनी है, उनके लिए हमने seminars conduct करने हैं, workshops conduct करने हैं, या हमें उनको कोई भी और तरह की training देनी है, computer के ऊपर काम करवाना है, तो वो required infrastructure जो है, वो हमें setup करना पड़ेगा. ठीक है, ये ट्रेनिंग से पहले के काम है. मैंने आपको बुला लिया, चलो आ जाओ, मैंने आपको ट्रेनिंग देनी है. ठीक है, अब मैंने कहा अच्छा लैपटॉप निकालो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो ये तैयारी मेरे को करके रखनी पड़नी है. ये प्री ट्रेनिंग स्टेज में आएगा कि मैंने आपके लिए लैपटॉप रखे हुए हैं या आपको बोला हुआ है कि आपने लैपटॉप लेके आने हैं. ठीक है, सो यू हैव टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग, देन यू हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. It should be in the mind, मैंने आपको कैसे ट्रेन करना है, कौन सी ट्रेनिंग देनी है. जिस तरह से हमारा एक करिकुलम होता है, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ने आए हैं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का पीरियड है, मेरे पास अगर करिकुलम ही नहीं है, बुक ही नहीं है, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी. वेग होगा मेरा कंसेप्ट कि मैं क्या कभी कुछ पढ़ा दूंगी, कभी कुछ पढ़ा दूंगी. बट बिकॉज आई हैव द रिक्वायर्ड कंटेंट विद मी, आई हैव द रिक्वायर्ड करिकुलम, मुझे पता है प्लस वन के बच्चों को मैंने बिजनेस स्टडीज में ये पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाना है, प्लस टू में ये पढ़ाना है, तो इट विल द प्रोसेस विल बी स्ट्रीमलाइंड और नॉट. ठीक है ना, मुझे अपनी डेस्टिनेशन पता है, तो वो डेस्टिनेशन बनानी है, यानी वी हैव टू प्रिपेयर कंटेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. देन डिजाइनिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड मटीरियल, किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, उसकी कौन सी टेक्निक्स हैं. कई बार ट्रेनिंग लेक्चर मेथड से दी जाती है, कई बार डेमोन्स्ट्रेशन से दी जाती है, कई बार ऑन द हैंड ट्रेनिंग होती है. वर्कर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को बोला ये लो चलो ये काम करो इस पे, ऑन द हैंड ट्रेनिंग मतलब उनको सीधा काम पे लगा दिया, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, तो वी हैव टू डिजाइन द डिफरेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम. क्या किया, सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई करेंगे इस प्रोग्राम के लिए, ऑल आर नॉट सूटेबल. यू हैव टू सिलेक्ट दोज हु हैव द राइट एटीट्यूड, कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वैल्यूज. हो सकता है एक पर्सन ऐसा है जिसकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपको बात करके लग रही है बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, बट उसकी वैल्यूज उसमें नहीं है. वो हर काम में एक चीट फ्रॉड लेके आता है, हम ऐसे कर लेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, हम मिलावटें कर देंगे, चीजें बेचेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसका मतलब वो वैल्यूज नहीं है उसमें, तो ही इज नॉट द राइट पर्सन. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द राइट पर्सन, देन यू हैव टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन यू हैव टू क्रिएट द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, then design different training techniques, and then you have to select and you have to make the selection and the training of the trainers. Trainers ko train karna hai pre jo training stage hai isme kisko train karna hai, entrepreneurs ko. Kisne train karna hai, trainers ne. तो ट्रेनर्स को भी तो ट्रेन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो हमने वो नई टेक्निक लेके आनी है, वो टेक्निक के लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा ना, है ना. तो वी आर तो ऑलरेडी वर्किंग, लेकिन यहां पर क्या है, इसमें आपको ट्रेनर्स ढूंढने पड़ेंगे, कौन से ट्रेनर्स ऐसे हैं जिनमें राइट एक्यूमेंट है, स्किल है, जो कि फर्दर आपको ट्रेन कर सकता है. ठीक है, so you have to select the trainers as well and give training to the trainers. ठीक है, इनमें से बेटे आप कोई भी पॉइंट मिस कर देते हो तो इस प्रोसेस सारा फ्यूटाइल हो जाता है, प्रोसेस द होल प्रोसेस बिकम्स फ्यूटाइल, यूजलेस. अगर आपने ट्रेनर्स कोई ट्रेन नहीं किया, मुझे भेज दिया कि जाओ आप इनको ना प्लस वन सी के पास जाओ और नए तरीके से पढ़ा के आओ, मुझे पता ही नहीं नया तरीका क्या है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं. ठीक है, तो मैं तो वो कन्वेंशनल लेक्चर मेथड लेके आ जाऊंगी, तो कोई फायदा हुआ. आप इस माइंडसेट से आए हो कि आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है,
तो हमें वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, हम जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर होंगे, हमें वो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये सारी वैल्यूज आज से हमारे अंदर भरी जाएंगी, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवर स्कूल इज गोइंग टू प्रिपेयर अस फॉर एवरीथिंग, लाइफ स्किल्स हमें हमें दी जाएंगी। बट मुझे ही नहीं पता ये मैंने कैसे आप में इनकलकेट करनी, सो आई हैव टू बी ट्रेन्ड और नॉट, ठीक है। सो एक प्री ट्रेनिंग स्टेज जो है दैट इज मस्ट। सो लेट अस राइट अबाउट द प्री ट्रेनिंग स्टेज। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ पर्संस, विद रिक्वायर्ड पोटेंशियल। पूरब बेटे ऊपर रख ले नोटबुक। सिलेक्शन ऑफ पर्संस विद रिक्वायर्ड पोटेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, attitude, values and motivation. Second, creation of infrastructure, creation of infrastructure for training third, preparing contents of training you have to prepare what need to be given to the selected personnel while training them. Then designing training techniques and material जो भी हमें train करने के लिए टेक्निक्स और मटेरियल उनको देने की जरूरत है, दैट नीड्स टू बी क्या रिसेस है ना, फोर्थ डी ठीक। देन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स। ट्रेनर्स सिलेक्ट करने हैं और फिर उनको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। सेकेंड इज ट्रेनिंग स्टेज। ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है हमने, जो हमने सिलेक्ट किए हैं लोग, अब उनको ट्रेनिंग देने का टाइम आ गया। ट्रेनिंग में हमने क्या करना है, उनमें राइट एटीट्यूड, राइट कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स वो इनकलकेट करनी है ना। ट्रेन करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है उन्होंने कल को, तो एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए उनमें राइट स्किल्स, राइट एटीट्यूड्स, वैल्यूज, कॉम्पिटेंसीज वो हमने बिल्डअप करनी, ठीक है। सो गाइडेंस उनको प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड उनको बताया जाता है,
देन दे आर गिवन सम प्रोजेक्ट, जिस तरह से अभी मैंने पीछे आपको एक सर्कुलर पढ़ के बताया था कि इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए सीबीएसई एक कंपनी के साथ मिलके ये एक कॉम्पिटिशन करवा रही है। तो उसमें यही है बेटे, आपने एक आइडिया सोचना है, आइडिया से रिलेटेड रिसर्च करनी है, बताना है कि आप इस आइडिया को किस तरह से प्रैक्टिकल शेप देंगे। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट रखा जाता है उनके लिए, जितने भी ट्रेनीज होते हैं उनको बोला जाता है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उनको एक आइडिया सोचना है जो भी उनके माइंड में है, कोई भी बिजनेस वो सेटअप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड उसको किस तरह से वो फाइनेंस कराएंगे, कहाँ से वो कहाँ उसको सेटअप करेंगे, उनका टारगेट कस्टमर क्या होगा, उसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल कैसे अरेंज करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग दे आर गिवन दिस प्रैक्टिकल वर्क दैट इज दैट ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ताकि कल को जब वो रियल सेंस में बिजनेस सेटअप करने जाए तो काफी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जो हम पढ़ेंगे, NSIC, DIC, जो कि हेल्प करती हैं, फिर स्टार्टअप है, ठीक है। तो फंडिंग के लिए उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत होती है, प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत होती है। सो ऑल दिस दे आर टॉट ड्यूरिंग दिस कोर्स, ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन बनानी है ताकि कल को फंडिंग की जरूरत हो तो किस तरह से अपनी बात, देखो आप एक बड़े इन्वेस्टर हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, आप इन्वेस्ट करने को तैयार हो, आप किसी भी पर्सन को फंड देने को तैयार हो, लेकिन अब 10 लोग आपके आगे फंड्स लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप किसको दोगे, जहां पे आपको लगेगा आपका पैसा सेफ है, आपको अच्छी रिटर्न देगा। कैसे पता चलेगा? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जो, क्योंकि सब नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 के 10 लोग, है ना। अब आप ये तो नहीं है कि किस्मत पे छोड़ दोगे सब कुछ के जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसका बिजनेस चल पड़ेगा। नो, द वन हु हैज थॉट आउट ऑल, है ना, जिसने सारी चीजें सोच रखी है, तो अगर 10 लोग आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तो आप जिसकी बेस्ट लगेगी उसको ही दोगे ना अपने फंड्स, है ना। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाना, उसको प्रेजेंट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग का। जो अपना नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए किस तरह से उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो ऑल दिस इज टॉट ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टेज, ठीक है। सो लिख लीजिए ट्रेनिंग के बारे में। ड्यूरिंग दिस स्टेज नेसेसरी मोटिवेशन, ड्यूरिंग दिस स्टेज नेसेसरी मोटिवेशन, कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियरल पैटर्न्स आर डेवलप्ड अमंग द पार्टिसिपेंट्स Guidance is provided for the identification of business opportunities and selection of the production Information is also given about the government agencies which provide support to the entrepreneurs. Information is also given about the government agencies which support entrepreneurs. The trainees are taught
प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन द ट्रेनीज आर टॉट प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन एंड एंटरप्राइज लॉन्चिंग स्कीम्स सॉरी फॉर्मेलिटीज एंड एंटरप्राइज लॉन्चिंग फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग एटसेट्रा. The management skills are also given to the trainees. The management skills are also given to the trainees.